हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया अनाउंस्ड बाय यूनेस्को. ओके, सो कई बार यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, तो ये साइट्स तो करेंगे, साथ में इसके रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे कवर करने की. सो लेट अस स्टार्ट लर्निंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ यूनेस्को? जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी आपकी 1972 में. ठीक है, अब सबसे ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, सबसे ज़्यादा फर्स्ट पोजीशन पे आपका इटली एंड चाइना, इन दोनों की बराबर हैं. दैट इज़ 55 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. इंडिया का जो रैंक है वो आता है 6 नंबर पर. ठीक है, तो इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो इंस्क्राइब्ड कर दी हुई हैं, मेंशन कर दी हुई हैं, वो हैं 38. ठीक है, इसमें से 30 जो हैं वो कल्चरल हेरिटेज साइट हैं, 7 जो हैं वो नेचुरल हेरिटेज साइट हैं, जबकि एक इसमें मिक्स टाइप की है. ठीक है, सो देखते हैं आगे. तो इसमें जो सबसे पहले आती है हमारी फर्स्ट नंबर पर, वो आपकी अजंता केव्स. ठीक है, ये जो थी इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अनाउंसमेंट कब हुई, तो ये थी 1983 में. तो फर्स्ट जो हमें मिली थी वो मिली थी 1983 में. कहाँ लोकेटेड है ये? महाराष्ट्र में स्थित है. ठीक है, अब इसमें है क्या? तो इसमें रॉकेट के मॉन्यूमेंट्स हैं अबाउट 31. तो ये थी हमारी फर्स्ट वेबसाइट, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट. फिर नेक्स्ट आती है सेकेंड एलोरा केव्स. ठीक है, इनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दो है वो मिला था 1983 में. ठीक है, और ये जो है ये अगेन कहाँ पे प्रेजेंट है? महाराष्ट्र के अंदर. ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, रॉकेट मॉन्यूमेंट्स हैं बहुत सारे, अलग अलग टाइप के मोनेस्ट्रीज हैं, टेम्पल्स हैं. तो इसमें तीनों रिलीजन, हिंदू, बौद्ध और जैन, इन सब के मिलते हैं हमारे को मॉन्यूमेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो हमारा एलोरा केव्स हैं ये एज अ मोटिफ प्रेजेंट है हमारे 20 रुपीज़ के नोट के ऊपर. ठीक है, चिन्हित मिलते हैं. सो नेक्स्ट, तो इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आगरा फोर्ट. तो इसको हम और क्या बोला जाता है, रेड फोर्ट के नाम से भी इसको जानते हैं. इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली थी 1983 में. तो 83 में बहुत सारी साइट्स अनाउंस हुई थी. ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिर ये है कहाँ पे? तो ये यूपी में. ठीक है, उत्तर प्रदेश में. अब नेक्स्ट आता है हमारा ताजमहल. ठीक है, तो इसके बारे में तो सबको पता ही है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एंटर करवाया गया था 83 में, और ये अगेन यूपी में प्रेजेंट है. इट इज़ वन ऑफ 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, और ये एक फ्यूनरेरी मॉस्क है. ठीक है, उसके बारे में एक और चीज़ जो सबको बताइए, ये किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी जो थर्ड नंबर की बेगम थी उसकी मुमताज महल, उसकी याद में उसको बनाने में लगे थे आपके 16 ईयर्स एंड 1631 1631 से लेके 48 के बीच में कंप्लीट हुआ था उसको बनाने में. एक जो बनाने वाला था एक अहमद लाहौरी. ठीक है, क्या नाम था उसका? अहमद लाहौरी. इसका इम्पोर्टेंट रोल रहा है इसको बनाने में. तो यह था नेक्स्ट वंडर ताजमहल. नेक्स्ट आता है सन टेंपल. ठीक है, तो कोणार्क में प्रेजेंट है, उड़ीसा के कोणार्क में. इसको एक और चीज़ या नेम से जाना जाता है, ब्लैक पगोड़ा, जिस करके क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है. ठीक है, ये भी 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस हुआ था. और इसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या है कि जो हमारी करंट करेंसी है उसमें 10 रुपीज़ के नोट पे प्रेजेंट है सन टेंपल. तो इसमें आपके इसको बनाया किसने था? तो नरसिम्हदेव फर्स्ट जो था उसने इसको बनवाया था. और इसके ऊपर मार्क होते हैं 24 व्हील्स और 6 हॉर्सेस. तो इस तरीके से ये होगी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नंबर 5. नेक्स्ट आती है आपकी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन महाबलीपुरम. तो ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको भी 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अनाउंस किया गया था. ये प्रेजेंट है आपकी तमिलनाडु के अंदर,
और इसमें भी क्या चीज़ें हैं, इसमें अबाउट 40 मॉन्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं, और इसे बनवाया गया था पल्लव राजाओं के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इसके बारे में काफ़ी कुछ हमें पता है। ठीक है, यह आसाम में प्रेजेंट है। 1985 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन्वॉल्व किया गया था। और यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए फेमस है, वन हॉर्न्ड राइनोज। ठीक है, एक सिंग वाले जो गैंडे हैं उनके लिए फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट आती है आपकी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये भी आसाम में प्रेजेंट है। 1985 में इसको इन्वॉल्व किया गया था। और इसके बाद नेक्स्ट आती है क्यूलादो नेशनल पार्क। तो ये हमारा प्रेजेंट है राजस्थान के अंदर, और इसको 1985 में इन्वॉल्व किया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के थ्रू। और ये फेमस है अपनी बर्ड की बहुत सारी वैरायटी या स्पीसीज के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट आती है चर्चेज एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा। तो यहाँ पे बहुत सारे चर्चेज एंड कन्वेंट्स हैं गोवा में। इसको रोम ऑफ ओरिएंट्स भी बोला जाता है। और ये 1986 में इसको अनाउंस किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, ये गोवा में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। तो खजुराहो के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, ये भी 1986 में अनाउंस हुआ था। और ये आपके किसको एट्रिब्यूटेड है, चंदेल डायनेस्टी को। ठीक है, चंदेल राजाओं ने इनको बनवाया था। नेक्स्ट आता है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी। ठीक है, जो कि कर्नाटका में है, और ये 86 में इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस किया गया था। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारा 50 रुपीज़ का नोट होता है, उसमें हम्पी जो ये कर्नाटका का इसका मोटिफ पाया गया है, उसके ऊपर बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसके बारे में, इसमें द्रविड़ियन टाइप के टेम्पल हैं जो कि हिंदू और जैन दोनों को बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है आपका फतेहपुर सिकरी। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अनाउंस किया गया था 1986 में। और ये पड़ता कहाँ पे, ये पड़ता है हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसको बनाया गया था अकबर के थ्रू। इसको द सिटी ऑफ विक्ट्री भी बोला जाता है। और इसमें सिंगल नहीं आता, बट बहुत सारे ये आती हैं। ठीक है, मोनूमेंट्स या मतलब कंस्ट्रक्शंस आती हैं, लाइक जामा मस्जिद हो गया, बुलंद दरवाज़ा हो गया, ठीक है, पंचमहल हो गया, या टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, ये सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टादकल। ठीक है, जो कि आपका प्रेजेंट है कर्नाटका के अंदर। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस किया गया था 1987 में। और इसमें है क्या चीज़, इसमें हिंदू और जैन टेम्पल्स हैं, अबाउट 9 और 10, तो उसके लिए फेमस है। नेक्स्ट आती है आपकी एलिफेंटा केव्स। ठीक है, जो कि प्रेजेंट है महाराष्ट्र के अंदर। और 1987 में इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस किया गया था। इसके अलावा ये जो है क्या चीज़, यहाँ पे हिंदू और बौद्ध दोनों रिलीजन से रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स प्रेजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। तो ये जो टेम्पल थे चोल राजाओं ने बनवाए थे, और ये प्रेजेंट है तमिलनाडु के अंदर। इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो था अनाउंस किया गया था 1987 में। नेक्स्ट आता है आपका सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है, और ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अनाउंस किया गया था 1987 को। और सुंदरबन नेशनल पार्क जो है, इट इज़ लार्जेस्ट एस्चुरीन मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। सो ये और किस चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ पे टाइगर, लाइक बंगाल टाइगर, बहुत ज़्यादा लार्जर अमाउंट में कंजर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो ये भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, ये प्रेजेंट है उत्तराखंड के अंदर। इसको इंस्क्राइब किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1988 में, और इसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन की गई थी 2005 के अंदर। ठीक है, इसके बाद आती है नेक्स्ट जो हमारा आता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सैट सांची। तो सांची के स्तूप के बारे में आपने सुना होगा, वही चीज़ है। तो ये प्रेजेंट है आपका मध्य प्रदेश में। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अनाउंस किया गया था 1989 में। और इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़, दैट इट्स मोटिफ हैज़ बिन प्रिंटेड ऑन द 200 रुपी नोट। 200 रुपये का जो नोट होता है, उस पर चिन्ह होता है सांची स्तूप का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हुमायूं टॉम्ब एट दिल्ली।
तो हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस हुई थी 1993 में, ठीक है। इसको बनाया गया था 1570 में और इट वाज कंसिडर्ड एज द प्रीकर्सर टू ताजमहल, ठीक है। तो ताजमहल जो था इसके अबाउट 100 ईयर्स बाद में बनाया गया था। सो नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, कुतुब मीनार एंड इट्स मोनूमेंट्स। तो यह दिल्ली में और इसको अनाउंस किया गया था 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और इसके बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ दैट इज इट वॉज स्टार्टेड और इनिशिएटेड बाई कुतुब बिन ऐबक, बट इट वॉज कम्प्लीटेड बाई द इल्तुतमिश। सो नेक्स्ट आती है फिर आपकी, नेक्स्ट है आपकी फिर माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। तो गाइज इसमें कोई सिंगल पर्टिकुलर ये नहीं है, इसमें जो भी पहाड़ी रेलवेज हैं इंडिया की उनको एंटर किया गया है। तो इसमें आपके आते हैं लाइक देखो नीलगिरी रेलवेज हो गया, ठीक है। इसके अलावा कालका शिमला रेलवेज जिसको इसमें एंट्री 2008 में मिली थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका महाबौद्ध टेम्पल जो कि बोधगया बिहार में प्रेजेंट है। तो इसमें एक सिंगल टेम्पल नहीं है, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है जो कि एक पीपल जो होता है, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम फाइकस रिलीजियोसा है, उसके अराउंड बनाए गए हैं। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अनाउंस किया गया था 2002 में। नेक्स्ट आते हैं आपके फिर रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका। तो ये जो भीमबेटका है ये भी रॉक्स के ऊपर बनी हुई पेंटिंग मिली है यहाँ पे, जो कि मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है, सिविलाइजेशन से रिलेटेड, और ये मध्य प्रदेश में मिला है। इसको 2003 में 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस किया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या टर्मिनस। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, इसको 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट है आपका चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क जो कि गुजरात में, और इसको एंटर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2004 में। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो कि दिल्ली में प्रेजेंट है, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस किया गया था 2007 में, ठीक है। इसके अलावा इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ दैट जो 500 रुपये का नोट होता है हमारा उसके ऊपर इसका चिन्ह मिलता है, प्रिंटेड पिक्चर है इसकी। इसके अलावा नेक्स्ट आता है द जंतर मंतर जो कि जयपुर राजस्थान में प्रेजेंट है, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस किया गया था 2010 में। नेक्स्ट है आपका जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारा एरिया आता है। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अनाउंस किया गया था 2012 में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो इसमें एंट्री हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसकी 2013 में, ठीक है। नेक्स्ट आती है रानी की वाव, ये हुई थी 2012 में, और इसके बारे में ये है कहाँ पे गुजरात के अंदर। इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दैट जो 100 रुपीज़ का नोट होता है उसके ऊपर रानी की वाव जो पिक्चर है वो मिलती है हमारे को। अगला आता है जी ये हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि हमारे हिमाचल में है कुल्लू में, ठीक है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन्वॉल्व किया गया था 2014 में, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन आता है बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट आता है आपका फिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा महाविहार, ठीक है। तो ये प्रेजेंट है हमारा बिहार में, नालंदा यूनिवर्सिटी होगा ओल्डेस्ट वन। तो इसको इसके रिमेन्स हैं वहाँ पे, ठीक है, टूटे फूटे जो भी हैं। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एंटर करवाया गया है 2016 में। अगला है जी आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि प्रेजेंट है सिक्किम में, और इसको 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एंटर करवाया गया था। फिर आता है आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बूशियर, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर है, ठीक है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी कंस्ट्रक्शन करवाई हुई हैं। तो इनकी कुछ एक इम्पोर्टेंट जो चंडीगढ़ में प्रेजेंट है अबाउट 17 साइट्स वहाँ से ली गई हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन्वॉल्व किया गया, एंटर किया गया है 2016 में। नेक्स्ट है जी हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। हमें पता है अभी इसका बहुत ज़्यादा कल्चरल रोल है हमारी कंट्री में, तो ये गुजरात में प्रेजेंट है 2017 में, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट आता है द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेम्बल ऑफ मुंबई।
और ये प्रेजेंट है महाराष्ट्र में। 2018 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस किया गया था। अब इसमें है क्या, तो इसमें कलेक्शन है कुछ एक विक्टोरियन गॉथिक बिल्डिंग्स की एंड आर्ट डेको बिल्डिंग्स की, ठीक है। इसके बाद लास्ट आता है हमारा नेक्स्ट जयपुर। ओके सो नेक्स्ट है जयपुर, जो पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये राजस्थान में प्रेजेंट है और 2019 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस किया गया था। सो गाइज थैंक यू, ये थी आपकी इम्पोर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। सो बिग थैंक्स एंड कीप लर्निंग, शेयर द वीडियो इफ यू लाइक इट। थैंक्स, बाय बाय।